हेलो दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल बड़ा बड़ा भर्ती आता है, लाखों अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन जो आयोग फॉर्म मांगता है, जो आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, क्या वो अच्छे तरीके से अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है? क्या समय समय पर जब उसके खिलाफ उंगली उठाया गया है तो आवाज़ कैसे दबाया गया है? और अभी क्या मामला निकल कर आ रहा है? काफ़ी अभ्यर्थी ये न्यूज़ भेज और बोले कि सर जी ये क्या बात है। और आप लोग देखिएगा कि मैं सालों से यही बात करते आ रहा हूँ कि एक कड़ी जुड़ा हुआ है। अगर फिर से इसे पीछे जाकर जांच किया जाए तो जितने भी भर्ती हुआ है उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। मुझे पता है कि ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। 21,391 भर्ती में क्या क्या हुआ है उसका खुलासा दिन प्रतिदिन आपको न्यूज़ के माध्यम से मिल रहा होगा, लेकिन हम तो बहुत पहले से ये जानकर आपको को समय समय पर बताते भी अपने जो बैच में है कि देखिए ऐसा ऐसा बात हुआ है। और आज सालों पहले मैं ये बता रखा था कि अगर आप आईएएस लेवल का एग्जाम लेते हैं और कमांडो लेवल का दौड़ लेते हैं और मेरिट तैयार करते हैं और बात रहता है बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता होगा। ये आयोग पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहा था अभ्यर्थियों का। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया जाए तो अभी भी बहुत से अभ्यर्थी का जिंदगी बर्बाद हो सकता है। सरकार को तत्परता दिखाना चाहिए और कहीं ना कहीं एक ऐसा जांच समिति गठित करना चाहिए जो पीछे हुए भर्ती को भी जांच करे, तब जाकर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। और जो पटना के बड़े बड़े टीचर का नाम आ रहा है, 3 शिक्षक का नाम आ रहा है, आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं उनका नाम उजागर कर रहा है कि जो सालों से स्कॉलर भेजते थे और सॉल्व कराते थे और पढ़ने वाले लड़कों का हक मारते थे, वो कौन से टीचर है सब अभ्यर्थी जानते हैं, बस नाम सामने आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि ये देखिए जो ये आयोग है जो हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराता है, यानी कि जो आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसमें लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, इसी के बारे में इनके एक चेयरमैन के बारे में बताया गया है। अब ये सुनकर दुनिया का मतलब कि ये किसी के भी कानों में जाएगा न्यूज, समझिए ये बहुत बड़ा न्यूज है। अभी तो नेशनल मीडिया के अब ये जाकर कान खुल रहा है और इतने दिनों से आदमी चिल्लाते आ रहा है, 11,880 में चिल्लाया, 8,415 में चिल्लाते चिल्लाते समझो गला फंस गया, लेकिन कोई नहीं सुना। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ नेशनल मीडिया या जितने भी लोग हैं उनको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 8,415 का अगर आप प्रूफ मांगिएगा ना, मैं अभी उस डेट में प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, अभी उस डेट में, और वो भी ऑथेंटिक जगह से कि जिस पर आप आंख मूंद कर बिलीव कर सकते हैं। उसके बाद भी 8,415 का विपक्ष हो या पक्ष हो दोनों मिलकर आपको बांटे हैं क्या ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं, ज्वाइनिंग यही गांधी मैदान में। लेकिन हकीकत सब अभ्यर्थी जानते हैं, मेरा लोग विरोध करते हैं, बहुत से प्रशासन में भी लोग हैं विरोध करते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो छिपता नहीं है, ये छिपने वाला चीज नहीं है। अभी आप देखिएगा क्या न्यूज है, सिपाही भर्ती पेपर लीक, प्रिंटिंग प्रेस मालिक से मिलकर पूर्व डीजीपी ने किया खेल, ये तो दिया हुआ है। स्पॉट ने नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर और प्रेस मालिक की बहन ने पेपर सेट किया है। आप इससे समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये आपको लड़कों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। यानी एक ऐसा लड़की जो ग्रेजुएशन कर रखी है, होम्योपैथिक के बारे में जानकारी रखी है, और वो दोनों मिलकर क्या है, क्वेश्चन पेपर गूगल से सर्च कर क्वेश्चन डाला जा रहा है। ये इस बात को आप लोगों को पूरी तरीका से अस्वस्थ हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कोई और छापता है और क्वेश्चन पेपर छपाने के लिए कहीं और जाता है। ये आयोग की कार्य पद्धति होता है। जैसे कि मान लो कि हमको क्वेश्चन पेपर 100 तैयार करना है, इसका सेट 3-4 तैयार करना है, हम क्या करेंगे कि अलग अलग टीचर को चूज करेंगे और वो लगभग प्रोफेसर होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उनको कहा जाता है कि आप पॉलिटी का 100 क्वेश्चन भेज दो, आप किसी को अगर ज्योग्राफी का होगा तो उससे बोला जाता है कि इस लेवल पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन भेज दो, कोई अगर हिस्ट्री का होता है उससे बोला जाता है हिस्ट्री का आप 100 क्वेश्चन भेज दो। और उसमें क्या किया जाता है कि उसको सभी क्वेश्चन को मिलाकर उसको सेक्शन वाइज क्वेश्चन छाटा जाता है कि पता ही नहीं चले और प्रोफेसर को भी ना पता चले कि हमने जो 100 क्वेश्चन भेजा है उसी में से सभी क्वेश्चन आपको हूबहू वही डाला गया है। नहीं, ये तरीका होता है अलग अलग आयोग का क्वेश्चन सेट करने का। तो अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन अलग अलग प्रोफेसर से, एक प्रोफेसर से कभी भी 100 का 100 क्वेश्चन नहीं मंगाया जाता है। इसमें जवाबदेही तय करना पड़ेगा, आखिर ये इतना बड़ा चूक हुआ कैसे, और इतना बड़ा चूक अभी से होते आ रहा है या 8,415 में भी बड़ा चूक हुआ। आप देखो ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में बैठा, मेरा खुद फिजिकल था। 8,415 पद का अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मैंने खुद आईएएस, मेरा दोस्त तैयारी करता था, उसको भेजा था, मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था, मतलब कि आज से 4 साल पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 43 से लेकर 45 क्वेश्चन ही बना पाया, जो कि आपको आईएएस की तैयारी करता है, मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी करता है, उसका स्कोर क्या था, 43 से 45 स्कोर किया था। और कट ऑफ कितना गया है, 65 गया है। एक शिफ्ट में 22,000 रिजल्ट हुआ है तो एक शिफ्ट में 800 रिजल्ट हुआ है 8,415 का।
शिफ्ट वाइज भी काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो क्या एक शिफ्ट में एलियन आकर एग्जाम दिए थे और दूसरा शिफ्ट में वो गांव के एकदम गए गुजरा लोग एग्जाम दिए थे? अरे साफ साफ धांधली दिखाई दे रहा था, लेकिन के एस द्विवेदी अपना पल्ला झाड़े और अलग आयोग में उनको पदस्थापित कर दिया गया। ये तरीका होता है आयोग के चेयरमैन को ऐसे जवाबदेही तय किया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पिछला भर्ती भी जांच हो जाए ना तो यही निकल कर आएगा, यानी ऐसा ही कंपनी निकल कर आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले आएंगे। यानी किसी डॉक्टर को पेपर सेट करने के लिए दे दिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का सारा साइंस का क्वेश्चन डॉक्टर वाला, यानी कि जो आपको पूछा जाता है उनके एंट्रेंस एग्जाम में उसमें दिया हुआ उसका एग्जाम का क्वेश्चन डाला गया था। मजा है कि कोई टीचर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दे, पटना का या कहीं का टीचर नहीं करा सकता था, इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी उस पर कोई जवाबदेही तय नहीं किया गया, बार बार आवाज उठाया गया लेकिन कोई उस बात को नहीं माना। और आज वही चीज निकल कर आ रहा है, आप देख लीजिए पूरा न्यूज, मैं फिर उसके बाद इनका इतिहास निकालता हूं। ठीक, देखिए ईओयू की जांच में सिंघल के दावे की पोल खुली। जो सिंघल साहब करते थे कि एक्सपर्ट टीम ने क्वेश्चन बनाया है, सिंघल के पूछा गया 40 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन किसने बनाया है, तो एक्सपर्ट टीम ने बनाया। यही आपको होम्योपैथिक के डॉक्टर और ग्रेजुएशन किए हुए लड़की, उसकी बहन जो है ये क्वेश्चन तैयार किया, यानी इंटरमीडिएट का क्वेश्चन ग्रेजुएशन किए हुए लड़की तैयार कर रही है। इसी से अंदाजा लगा लो कि कितना अच्छा भर्ती तुम्हारा होने वाला था। अगर इतना दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये एग्जाम नहीं कैंसिल होता तुम लोग बस टुकड़ देखते रह जाते, चोरवन सबका रिजल्ट हो जाता। बस यही पहला शिफ्ट देखो और सेकेंड शिफ्ट देखो, दोनों शिफ्ट में अंतर देखो। पहला शिफ्ट का क्वेश्चन 50-55 था कि आपसे बनाया सके, सेकेंड शिफ्ट का तो इतना हार्ड लेवल था कि आप 84-15 का टक्कर दे रहा था। लेवल में ही डिफरेंट था क्योंकि उनको पहले ही आंसर देना था। भैया उन क्वेश्चन तो सेट किया जाता है टेस्ट के लिए, क्वेश्चन इसलिए नहीं ना सेट किया जाता कि पहले ही हम आंसर बनाकर रख लिए हैं, उसको बेच दिए हैं करोड़ों रुपया में, 10% दे दिए हैं आयोग के चेयरमैन को, हमको इससे क्या मतलब है। भर्ती में कोई भी आए घंटा नहीं हमको फर्क पड़ने वाला है, टीचर लोग चिल्लाते रहे, स्टूडेंट लोग पढ़ते रहे, ये लोग अपना पैसा छापते रहेंगे, जब डिपार्टमेंट रहेंगे तो डिपार्टमेंट में घुस लेंगे, जब रिटायर होंगे तो आयोग के चेयरमैन बनकर घुस लेंगे, लड़कों का जिंदगी तापते रहेंगे। ये है जवाबदेही बिहार का, ये है मतलब शासन प्रशासन का तरीका। बाप रे, समझ सकते हो आप लोग क्या चल रहा है। ठीक, यहां देखो सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र विशेषज्ञों के सीट विशेषज्ञों ने सेट किया था, ऐसा पूर्व डीजीपी और आपको केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष एके सिंघल का दावा है। और ये देख सकते हो कि ये हकीकत में कि प्रिंटिंग प्रेस वाले ने ही खुद प्रश्न पत्र सेट किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जूम करने पर पीडीएफ थोड़ा धुंधला देता है। जांच में यह सच सामने आया है कि प्रश्न पत्र सेट करने के विशेषज्ञों की मदद नहीं ली गई है। प्रश्न पत्र गोल्टेक्स यानी जो क्वेश्चन पेपर आपका छापा है गोल्टेक्स प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक और होम्योपैथिक के डॉक्टर सुपर्णा, ये देख सकते हैं सुपर्णा चक्रवर्ती और प्रिंटिंग प्रेस की मालिक की बहन संघमित्रा कर ने सेट किया है। संघमित्रा आपको जो है इसमें क्या है कौशिक कर की बहन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है। ठीक, वो ग्रेजुएट है मात्र, कितना है ये ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक, हाई की कंपनी में ही आपको नौकरी भी करती है। दोनों ने पुराने प्रश्न पत्र यानी कि देखो देखो समझ में आ रहा है ना, पुराने प्रश्न पत्र उठाया गया इसमें, पुराने प्रश्न पत्र के बैंक और गूगल की मदद से सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र सेट किया। ये सबको सीधे टांग देना चाहिए एकदम, समझ रहे हो। एक लड़की जो है ये तुम्हारा पूरा लाखों लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है जो ग्रेजुएशन कर रखी है। इसी से अंदाजा लगा लो कि ये मालिक कितना भोथर आदमी है, अरे कोई और को दे देता, यानी कि इससे भोथर देखो कितना भोथर है दिमाग लगाने वाला, यानी चेयरमैन ये दिया है क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए और जो ग्रेजुएशन करी हुई लड़की रहती है भोथर जो जॉब कर रही है वो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है गूगल से सर्च कर और लोगों का जिंदगी निर्धारित करेगी। इसीलिए देखो इसी जो है तनखी पर लोग हमसे चिढ़ जाते हैं, लेकिन बात ये सही है कि आपकी जिंदगी शुरू से चौपट करते हुए ये आयोग आ रहा है और अभी भी वही अगर करेगा तो इसके खिलाफ एकदम बुलंदी से आवाज बुलंद किया जाएगा, भले कुछ भी होगा देखा जाएगा। ठीक, अब देखिए सिंघल से 44 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न का जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि गोल्टेक्स मल्टीवेंचर के विशेषज्ञों से विमर्श कर पुराने प्रश्न पत्र को आपको यानी पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर वास्तविक प्रश्न पत्र बनाने का सहमति बनी थी। मुझे ये नहीं समझ में आता है, आपको एक बात आपको पता है, आपका जो अभी सिलेबस जारी किया गया था वो इधर जारी किया गया था, री एग्जाम के समय में सिलेबस जारी किया था। ये कितना मूर्खता है कि चेयरमैन होते हुए सिलेबस भी नहीं जारी किया गया था, बस लिख दिया गया था कि अब 10th पर एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन कहां से सेव किया है देखो, साफ साफ पेपर में लिखा हुआ है कि ये जवाब में पाया है कि ये देख सकते हैं कि ये देखिए कि जो करार किया कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े ये एक मिनट कि आधार पर, यानी कि पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर ही आपको नया क्वेश्चन यानी इसका आपको क्वेश्चन आपको छापा गया था।
यानी 12th लेवल के आधार पर, तब समझ सकते हो ना, मैं बार बार हमेशा क्लास में भी बताता था कि ये तो पहले ही आंसर वायरल करना था, इसलिए क्वेश्चन ऐसा सा छापा गया था, वरना कोई इसमें कोई ये नहीं है कि विशेषज्ञ ने क्वेश्चन छापा है, इसमें कोई विशेषज्ञ का था ही नहीं दे रहा था क्वेश्चन कहाँ। एक वो पूछ रहा है कि मैराथन का कितना दौड़ होता है, एक वो क्वेश्चन पूछ रहा है बांग्लादेश की आजादी क्या होता है, और एक दो क्वेश्चन एकदम इतना डीप चला जा रहा है कि साला जिंदगी में कोई पढ़े ना किया है, टीचरों ना पढ़ा है, जिससे आपको अंदाजा लग रहा है कि ये जो है ये एक मजाक बना रख दिया गया था, और ऐसा चेयरमैन ऐसा आपको आयोग को पूरी तरीके से भंग कर देना चाहिए था शुरू में ही। ये क्या एग्जाम कंडक्ट कराएंगे लोग, ठीक, यानी प्रश्न पेपर भी लड़कों का जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे को दे रहे हैं छापने के लिए। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी लड़कों के अभी अभी ये जो न्यूज आप लड़के पढ़े होंगे तो वो कितना मतलब मेरे पास तो हजारों की संख्या में लड़के बोले कि सर जी बताइए जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आप देख सकते हैं कि पूर्व डीजीपी सिंघल ने ईयू के दिए गए जवाब में कहा है कि प्रेस के साथ करार परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े स्टैंडर्ड आपको जो है परमानेंट के आधार पर यह किया गया था, यानी जांच में यह भी बात सामने आई है कि कोशिक कर की ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस की यूपी के ब्लैक लिस्टेड हो चुनी थी, यानी यह ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी और वो जेल भी गया था कोशिक कर जो है ये जेल भी गया था, लेकिन उनकी बहन क्वेश्चन सेट कर रही थी। देखो ये जो है न्यूज ये तब आप लोग पढ़ चुके होंगे कि आप देख सकते हैं कि कुल जो खर्च आया था 8,85,82,533 जो रुपया जो है ये सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुआ था उसमें खर्च आया था, इसका 10% समझ लो 8 करोड़ यानी लगभग 9 करोड़ का 10%, यानी कि आप कह सकते हो कि 80 से 90 लाख ये आपको चेयरमैन के पैसा चला गया है। वो आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि हम घर के पीछे जाकर कैश के रूप में पैसा दिए हैं, यानी जो मालिक है वो बोला है कि हम चेयरमैन को घर के पीछे जाकर पैसा दिए हैं 10% कमीशन पर। मुझे लग रहा है कि अभी तक नीतीश कुमार जी क्या सोच रहे हैं मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तत्काल तरीके से इनको गिरफ्तार करना चाहिए और पूरे जिंदगी इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये 18 लाख लोगों का जिंदगी बर्बाद करने चले थे। इसमें आप देखोगे वही चीज लिखा गया है जो आप पढ़कर गुस्सा करोगे, तो गुस्सा करने से फायदा है कि आपका पढ़ाई करो, ठीक ना। अब मेरा यहाँ पर 2-3 बात आप समझो, आप कहोगे कि सर जी ये तो इस भर्ती में था ना, पिछला भर्ती में तो भी तो हार्ड क्वेश्चन आया था, उसका भी जांच होना चाहिए। आप जब भी एग्जाम लेते हैं तो आप कहते हैं 12th लेवल का हम सिलेबस देंगे, और 12th लेवल का सिलेबस तो 2019 में भी था, 12th लेवल का सिलेबस 2017 में भी था, और 12th लेवल का सिलेबस 2020 में भी है। लेकिन 2020 में ही ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर मेडिकल का भी क्वेश्चन देखने को एंट्रेंस का मिला, एडवांस जेई का क्वेश्चन देखने को मिला, यानी इसको इतना टफ बना दिया कि सिर्फ जो निकाले हैं लड़के वो जो आंसर जिनको मिला है वही निकाले हैं। ये तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, जिनको आंसर मिल गया है जिनको आंसर मिला वही एग्जाम को निकाल लिए, फिर भी इसका कट ऑफ चला गया है आपको जनरल का 64 से 65 कट ऑफ जो चला गया है, आखिर किस हिसाब से ये कट गया है जनरल का। यानी इतना क्वेश्चन तो मैं उस समय भी दावा ठोका था, और उस समय चेयरमैन सिंघल ये थे केएस द्विवेदी थे, मैंने ये दावा ठोका था कि आपने 50% से ऊपर अगर क्वेश्चन बना दिया तो आपको लाखों रुपया जहां बोलिए तहां आपका गुलामी। मैंने उस समय भी बोला था कि 50% से ऊपर क्वेश्चन बनाकर दिखाइए आप, मतलब ये समझ ना समझ में आता है कि जब चेयरमैन जो बनता है उसको पता है ना कि क्वेश्चन पेपर कैसा सेट करना चाहिए। बिहार के लड़के पढ़कर जा रहे हैं, किस लेवल का पढ़ाई किए होंगे, इतना जल्दी जल्दी एग्जाम ले लिया जाता है, समय नहीं दिया जाता है, और 3 महीने में तू आईएएस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट कर अब तुम कॉन्स्टेबल भर्ती कराओगे। ये जो तरीका है ना, देखो मैं हमेशा आप लोगों के बार बार बोलता हूँ, हमेशा ये चीज सिखाते रहता हूँ कि देखो अगर आप लोग सहोगे ना तो हमेशा आपको वैसा बना दिया जाएगा, गधे की तरह आपको सहना पड़ेगा जिंदगी भर। इसलिए प्रबल मुखर होकर हमेशा बोलो। और सबसे बड़ी सवाल है कि आप ओमार सीट देना, क्वेश्चन पेपर देना, मार्क्स बताना, ये कौन बताएगा? ये भी तो आयोग का कार्य होता है ना कि वही पुराने वाला धड़ल्ला पर कहीं भी जहां मौका मिला अपना घोटालाबाजी कर लो, यानी एक तो जॉब में रहते हुए घोटालाबाजी और जॉब के बाद भी घोटालाबाजी, यानी चारों तरफ से घोटालाबाजी चलते आ रहा है। तो सीएसबीसी के जो नए चेयरमैन है उनसे कुछ उम्मीद है, आप ऐसे काम मत कीजिएगा जिससे लड़के नकारात्मक में जाए और आपको लड़के सोचने पर मजबूर हो पाए कि क्या हमारा सच में अच्छे एग्जाम होता है। लड़कों से भी निवेदन है कि जहां सच्चाई की बात आती है डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा सीट ऐसे समझो कि उड़ जाएगा, चोर चुट्टा उड़ा कर लेकर चला जाएगा, पढ़ते रह जाओगे भर जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला है। और पटना के सभी टीचर से हाथ जोड़कर निवेदन होगा, आइए कुछ बोलिए इस बातों पर, और इस बातों पर पोल खोलिए कि जांच पिछला भर्ती का भी होना चाहिए और पिछला भर्ती कैसे हुआ, क्योंकि पिछला भर्ती का जांच राजस्थान में हो सकता है, पिछला भर्ती का जांच कोलकाता में हो सकता है, पिछला भर्ती का जांच मध्य प्रदेश में हो सकता है, सभी घोटाले निकल कर आ जा सकते हैं। तो क्या बिहार पुलिस कांस्टेबल का पिछला भर्ती का जांच नहीं हो सकता है? जांच हमसे ही शुरुआत कीजिए, हमसे लीड मांगिए, हम लीड देंगे कहां से जांच करने की जरूरत है, और हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन पेपर जो है आंसर पहले ही वायरल हो जाता था और आंसर लेकर लड़के आगे घुस जाते थे 1 घंटा पढ़ाई कर और अपना रिजल्ट चमकाते थे और बेचारे पढ़ने वाले लड़कों के सामने बताते थे कि कैसे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, कैसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। लेकिन अब वो नहीं होने देना है। अब आपको जहां भी ऐसा चीज निकल गया, जैसे ओमर सिट गोला रंगने वाला जो आ रहा था उसका काम पूरी तरीके से खत्म हो गया, लोगों को पैसा ठग रहा है, वो सब ठगाने के चक्कर में मत रहना, जितना भी था जितने भी पकड़वाने वाले थे पकड़ गए हैं, अब शांति से तुमको बाद में न्यूज मिल जाएगा, ठीक।
मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर अपना बैच के बारे में बता दीजिए जो चल रहा है, विजेता बैच ये है विजेता बैच। स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा तो विजेता बैच स्टार्ट हो चुका है, जो चैप्टर भी खत्म हो चुका है उसका नोट्स और रिकॉर्डिंग वहीं पर मौजूद है। टेस्ट के साथ शुरुआत हो रहा है, अभी शुरू से शुरुआत हो रहा है। मैथ वाले सर का ये मैथ का आपका देखिएगा बैच मात्र 99 रुपये में चल रहा है, ये टारगेट बैच है मैथ रीजनिंग का। ये भी आप देख सकते हैं SSC GD बिहार SSC ये सब अलग अलग एग्जाम के लिए है। और आपका बिहार दरोगा का बार बार आप लोग डिमांड कर रहे थे, बिहार दरोगा में बहुत अच्छे तरीके से मैं बैच लेकर आ रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके के नोट्स के साथ आपको थ्योरी सभी पढ़ाया जाएगा, अभी समय है अच्छा खासा, और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, होमवर्क भी दिया जाएगा। उसके लिए आज रात को 12 बजे आपका आ जाएगा एप्लीकेशन पर, मैं उसका सूचना दे दूंगा। और दरोगा का भी बैच आ रहा है अब जो है, तो भरपूर तरीका से बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी तैयारी होगा, बिहार SSC के बाद बिहार दरोगा का भी तैयारी होगा। सभी तैयारी में लगे रहिए, जहां भी ऐसा न्यूज निकल कर आता है, जहां भी ऐसे चूक की बात आती है, चुप मत रहिए, मुखर होकर बोलिए जितने भी टीचर हैं, क्योंकि शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं होता है। अच्छा डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं तो हक भी दिलाना भी शिक्षक का काम होता है। वरना बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ा ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो बस पढ़ाते पढ़ाते पता चलेगा पढ़ने वाले लड़के का रिजल्ट नहीं हो रहा है और जो छोटा 1 घंटा पहले पढ़कर पास हो जा रहा है। ठीक, तो ये था जानकारी, और आप लोग जरूर कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भी जानकारी आपके पास है तो मैं 2-3 महीना पहले ही इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ हुआ है, और मैं बहुत पहले से ये बताते आ रहा हूँ कि जब क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड है, जो BPSC से भी UPSC से भी ऊपर लेवल क्वेश्चन जा रहा है, इसका मतलब यही है कि सिर्फ चोरी कराना है, लड़कों को पास नहीं होने देना है, लड़कों को पास नहीं है उनको पास होने देना है जिनके पास आंसर किया गया है। तो भर्ती पिछला भी अगर खुले तो समझो कि एकदम ऐसा निकल कर आया कि तुम लोग का आंख खुले का खुला रह जाएगा। 11,880 भर्ती हुआ, 8,415 हुआ, 2,380 भर्ती हुआ, 689 कांस्टेबल का आपको एक्साइज वाला हुआ। इसमें बहुत से ऐसे लोग गए हैं जो कि उसके लिए लायक भी नहीं थे और आज देखोगे कि पूरा चौड़े होकर अपना बात करते हैं। ठीक, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम है। अगर सरकार चाह रहा है कि भ्रष्टी लोग आए प्रशासन में तो वो अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार से भी निवेदन होगा पढ़ने वाले लड़के कहाँ जाएंगे, उनके भी हक की बात करना चाहिए। ठीक, तो ये वीडियो था, आप लोग बार बार पूछ रहे थे इस बारे में जानकारी दीजिए, मैं तो जानकारी बहुत पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, डिमांड कीजिए आंसर की, क्वेश्चन पेपर कम से कम देने के लिए, कटअप जारी करने के लिए, तभी जाकर पारदर्शिता दिखाई देगी। और CSBC से निवेदन है कि कम से कम ये सब जारी कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।